हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पोटाश क्या होता है। पोटाश ऐसे केमिकल है, लेकिन ये आप ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं होता है। तो पोटाश क्या होता है, पोटाश किसे कहते हैं, इसका वजूद क्या है, उपयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह इन्फोट्यूब से बोल रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पोटाश क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसे किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एक साथ मिलाओ तो NPK 1919 आजकल बाज़ारों में मिलती है। 19% नाइट्रोजन, 19% पोटास, 19% फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो सरसरी नज़र में बता दूँ तो नाइट्रोजन हमारे पौधों का ग्रोथ करती है, उगाती अच्छा है, अच्छे से उसको हरा भरा करती है, और फास्फोरस हमारे पौधों को मजबूत बनाती है, उसका स्ट्रेंथ जो है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रखती है। पोटाश से हमारे पौधों में फ्रूटिंग, फल, उसकी वैरायटी, उसकी साइज, वो सब बढ़ाती है। तो पोटाश जो होता है उससे हमारे फूल के पौधों में फूल अच्छे आते हैं, बड़े आते हैं, और हमारे वेजिटेबल में फल काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी बढ़ा देता है और क्वालिटी बेटर कर देता है। ये होता है पोटाश। अब दूसरी बात है कि पोटाश कब और कैसे देना है। जब पौधे या वेजिटेबल अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, जैसे टेंडर फूल के पेड़ है या सब्जी आप लगाए हो, उसका विकास अभी नहीं हुआ, उसकी टहनियाँ नहीं निकली हैं, अच्छे पत्ते नहीं आए हैं, फूल देने का समय नहीं हुआ, तो उसके पहले आप पोटाश ना दें। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाए फूल और पौधों के लिए, फूल और वेजिटेबल के लिए, सही समय होता है पोटाश देना। वेजिटेबल अच्छी तरह से जब तैयार हो जाए फल और फूल के लिए, तभी हमें पोटाश देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा अभी तैयार हुआ है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये गुड़हल का पौधा है, देख रहे हैं, ये बोगनविलिया है, ये सब तैयार है फूल के लिए। कहीं कहीं इसमें अब कलियां आना चाहिए, फूल आना चाहिए, लेकिन अभी आ नहीं रहा। जैसे ये गुलाब है, देख रहे हैं, इसमें अभी सब ये छोटा बन रहा है, लेकिन यही समय है पोटाश देने का। पोटाश देने से इसमें बहुत सारी फ्लोरिंग होने लगेगी और बहुत सारे इसमें और अच्छी क्वालिटी होगी। वेजिटेबल में भी सब यही सेम है कि जब वो अच्छी तरह फल देने लायक तैयार हो जाए उसी वक्त डालना चाहिए। अब दूसरी बात दोस्तों, पोटाश को देना कैसे चाहिए। आप देख रहे हैं पोटाश है, अब आपको पोटाश देना कैसे है उसे बता रहे हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटाश की मात्रा और कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा केमिकल है। तो अगर आप गलत अप्लाई करोगे, गलत इसको फीड करोगे, गलत इसको दोगे पेड़ों में, तो आपके पेड़ों को हानि पहुंचेगी। तो अभी हमने पोटाश दिखाया, इसको पहला तरीका जो है कि इसको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, ध्यान रहे 2 ग्राम का मतलब है आप ऐसे यह है 2 ग्राम, ये ऐसा है, अगर अंदाज नहीं मिलता तो ऐसा चुटकी पकड़ो, ऐसा देख रहे, ये 2 ग्राम हुआ, ऐसा आप पकड़ लीजिए, दिख रहा है, ऐसे पकड़ लीजिए चुटकी, ये हुआ 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में इसमें 2 ग्राम आता है।
और चम्मच से हमें हमारी तो आदत पड़ी थी, हम आपको अंदाज बता रहे हैं। ये देखो ये, और इसी में अगर हम चुटकी से डालेंगे तो देखो सेम है, दिख रहा है आपको, 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 लीटर पानी में दो ग्राम मिला के आप मिट्टी में डाल दीजिए। ध्यान रहे कि उसके जड़ पे मत डालना, साइड पे डालना। तो और ये डालना कब चाहिए, कितने कितने दिन पे, ये भी आप ध्यान से रखिए कि अगर आपका, जैसे अभी हमने आपको पेड़ दिखाया उसमें एक भी कलियां फूल नहीं है, तो 15 दिन पे डालिए आप। और यदि उसमें फूल कलियां हैं, अगर आपको बेहतर और अच्छा फूल उसमें आए और अच्छी बड़ी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, फूल आ रहे हैं उसमें, तो आप उसको कम से कम 1 महीने में डालें, ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका है, जो डायरेक्ट सॉइल में डालो, डायरेक्ट मिट्टी में, तो उसके लिए आप हल्की गुड़ाई करो, बहुत डीप गुड़ाई मत करो, और उसमें 2 से 3 ग्राम, 2 चुटकी ले सकते हैं आप, 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए और उसको मिक्स करके उसमें पानी डाल दीजिए। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी आप कोई फर्टिलाइजर दे रहे हो, फर्टिलाइजर अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में दे रहे हो तो उसके बाद उसमें पानी ज़रूर डालना। और कोई भी फर्टिलाइज़र आप पौधों को यदि गमले में लगे हैं तो या कहीं पे भी, तो शाम के वक्त देना चाहिए, ठीक है, धूप में मत दो दोपहर के टाइम, तो उसमें फिर पानी डालो। तीसरा जो है मित्रों, तीसरा स्प्रे करना है। स्प्रे ज़रा शॉर्टकट है, स्प्रे शॉर्टकट है, स्प्रे से जल्दी रिजल्ट आता है। स्प्रे में आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो 1 लीटर पानी में, जैसे ये चम्मच है, ये चम्मच भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब इसको इतना निकाल लो, 1/4 कर दो, 1 लीटर पानी में 1/4 पोटाश मिला के आप स्प्रे करिए, और हर हफ्ते करिए, ठीक है दोस्तों। स्प्रे अगर हर हफ्ते करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, आप बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। तो आप तीनों तरीके में अपना सकते हो, और हफ्ते में एक बार ज़रूर करें, और स्प्रे शाम को करना दोस्तों, ठीक है। तो आज हम आपको बताएं कि पोटाश क्या होता है, इसको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ठीक है। तो आप हमारा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और लाइक शेयर करना, वीडियो कैसे लगा आप बताना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।